मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल रात में मुंब्रा पुलिस ने डायमंड हॉल में होने वाले पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यक्रम को होने से रोक दिया था, मगर अब इस पूरे मामले में आयोजक अब्दुल मतीन शेखानी सहित कुल 70 से 80 लोगों पर मुंब्रा पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है। मुंब्रा पुलिस ने पहले इन्हें नोटिस भी दिया था, लेकिन नोटिस मिलने के बाद भी यहाँ पर करीब 70 से 80 लोग जमा हुए थे और कार्यक्रम रोकने पर इन लोगों ने अल्लाह अकबर के नारे के साथ साथ मुंब्रा पुलिस स्टेशन मुर्दाबाद और पीएफआई जिंदाबाद के नारे लगाए थे, ऐसा एफआईआर कॉपी में जिक्र किया गया है। इस पूरे मामले में जो फरियादी हैं वो मुंब्रा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल शांताराम प्रभाकर सावंत 50 वर्षीय हैं। आपको बता दें कि कल रात में पीएफआई की तरफ से सेवदा रिपब्लिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान जब पुलिस ने कार्यक्रम को रोका यहां पर काफ़ी हंगामा हो गया था और पुलिस और पीएफआई के लोग आमने सामने आ गए थे। किसी तरह से स्थिति को कंट्रोल किया गया था, यहां पर जमकर नारेबाजी भी हुई थी, मगर मुंब्रा पुलिस ने अब इस पूरे मामले में पीएफआई के मुंब्रा थाने अध्यक्ष अब्दुल मतीन शेखानी सहित कुल 70 से 80 लोगों पर आईपीसी की धारा 143, 145, 149, 188, 51 बी, 37 एक, 37 तीन, 135 11 के तहत एफआईआर दर्ज किया है। आप लोग जो आए इसके लिए आप तमाम का शुक्रिया अदा करना। आप लोग जाइए हमारे से जमा मत हो, चलो सर खालो तो काटे जमा मत हो, अरे चलो ना काटे जमा मत हो, हां बोल के लाना जाइए।